दोस्तों मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ी खबर जो है मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जो है आप लोगों को जो बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन आ रहे थे कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा में जो है वैकल्पिक प्रश्नों की यानी कि इस पर कितना आएगा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है आंसर मैं आपको लेके आ गया हूँ। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि न्यूज़ में ऑलरेडी आया हुआ है। कोरोना की वजह से जो वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि संख्या जो बढ़ गई थी अब वो घट करके वापस जितना था उतना आ गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जैसे पहले आता था क्वेश्चन वैसे ही आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार बढ़ के नहीं आएगा, 100 मार्क्स का नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मैट्रिक परीक्षा में 100 वैकल्पिक प्रश्नों की जगह 60 और 80 के बदले 48 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से यानी कि अब जो है इस बार आपको 100 पहले मिलता था, अब जो है सिर्फ 60 मिलेंगे आपको, ठीक है, और 80 के बदले 48 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसी तरह से इंटरमीडिएट परीक्षा में भी 100 वैकल्पिक प्रश्नों की जगह 60 एवं 70 के बदले 42 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑलरेडी जो है यहाँ भेजा जा चुका है, सभी स्कूल कॉलेजों में बताया जा चुका है। इसके लिए जो है बोर्ड ने छात्र हित में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सभी हाई स्कूल एवं इंटर स्तरीय स्कूलों को पत्र भेज दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो है वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या घट चुकी है, तो आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव सिर्फ जो है आपको 60 ही मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, आप पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।